अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शीशा कुमीर है जी। सब खैर खैरियत से हो गया। अच्छा जी, आज एक बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन आई है मेरे पास। क्या आया है? ब्रीजे के ट्राउज़र आ गए हैं। ठीक है जी, ये चेक कर लो। ऑफ वाइट है और ब्लैक में है, मज़े के हैं। अच्छा, अभी ऐसा है कि वन बाय वन शो करूँगी। ठीक है, इसमें 10 डिज़ाइन है। ब्लैक भी मिलेगा और ऑफ वाइट भी मिलेगा, बट बड़ा मस्त मस्त किस्म का जो है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ये अप्रिसिएशन होती है आपकी तरफ से हमारे लिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कोड नंबर 1 मैं शो कर रही हूँ। अच्छा, एक बात तो ये कि ये इसके ऊपर मेंशन है ये शलवारें हैं। ठीक है, तो शलवार में हमेशा क्या होता है कि साइड पे बॉर्डर दिया होता है कि आप जो है ये कट करवा के दिल करें तो इसी तरह आप बनवा लो, दिल करें तो इसको कट करवा के नीचे अपनी चॉइस पे भी यूटिलाइज करवा सकते हो। ठीक है, ब्रीजे का कपड़ा, ब्रीजे लॉन है और ये जी ब्रीजे की बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 सवा नहीं 2 गज़ नहीं, 2.5 सवा 2 2.5 गज़ जितने की शलवार कटिंग होती है ना, उतने का है। अच्छा जी, ये है ब्रीजे, एम्ब्रॉयडर्ड क्लासिक है ये। ठीक है, अभी इसमें कुछ के तो टैग और फटे हुए हैं, लेकिन एक दो के टैग मेरे सामने आए हैं। इनकी प्राइसेस भी मैं आपको साथ साथ मेंशन करूँगी कि क्या प्राइस है। अच्छा, जैसे कि मेरे पास ये एक आया है, अब ये ज़रा चेक करिएगा पर मीटर कितना है। 950 रुपीज़ पर मीटर है ये। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये तकरीबन मतलब 2.5 गज़ जो है वो 2000 से ऊपर ही जाता है। एक के ऊपर तकरीबन 1000 से ऊपर भी डिटेल इसकी लिखी हुई आई थी, वो भी मैं देख के, कहीं आता है बीच में तो देख के बता दूंगी आपको। ठीक है, तो इस तरह ही इनकी प्राइसेस हैं, बट मैंने आपको बहुत अच्छे वाला ह्यूज वाला डिस्काउंट में देना, फिर बता रही हूँ कि लाइक अभी देखो ये वाला जैसे ना, इसके साइड इस साइड पे बॉर्डर है। ठीक है, जैसे शर्ट के वन साइड बॉर्डर होता है ना, ये ऐसे गिवन है। अच्छा, ये एक आधा ब्लीच इसकी साइड पे वाइटिश भी हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबा सारा बॉर्डर है, तो आप इसको अच्छे से डबल करके भी लगा सकते हो इवन। ठीक है, तो ये अब आपकी है कि आपने इसको शलवार स्टिच करवाना है, ट्राउज़र स्टिच करवाना है, टोटली अप टू यू। तो ये मैंने गाइड जो करना था बेसिकली इस चीज़ को लेके मैंने गाइड कर दिया है। जिसको समझ आती है चीज़ की, प्लीज़ वो ही बुक करवाए। जो प्राइस मैंने देनी है ना, वो बहुत मज़े वाली प्राइस है, आप लोगों ने खुश हो जाना। ठीक है, तो ये है जी कोड नंबर 1, इसका काम चेक कर लो। अगर इसमें हल्की सी बारीक वो लेडर लेस होती है ना, वो भी लगवा लेती हो, तो ये तो इतने मज़े की चीज़ बनेगी ना कि आपसे पूछना है लोगों ने कि भाई आपने कहाँ से लिया। तो ये है जनाब कोड नंबर 1 ब्रीजे का। एक और चीज़, ये टैग मेरे पास रैंडम रोल्स भी आए हैं, तो ये टैग में भी हो सकता है कि बहुत सारों में ना आए आपके पास, तो उसके लिए पहले एडवांस में माजरत कर रही हूँ। कोड नंबर 1 मैंने शो कर दिया है, अभी मैं कोड नंबर 2 दिखा रही हूँ। अच्छा जी, कोड नंबर 2 है, इसका बॉर्डर चेक कर लो। ब्रीजे की एम्ब्रॉयडरी अपना आप दिखाती है कितनी खूबसूरत और बारीक एम्ब्रॉयडरी, तकरीबन 4 से 5 इंच का बॉर्डर है, बड़ा खूबसूरत सा। एक दो लेसेस यहाँ पे अटैच करवा लो, बड़ा मज़े का बनेगा। वन साइडेड बॉर्डर की शलवार है और जो नॉर्मल होता है उतना ही है। ठीक है जी, ये इसका कार्ड आ गया, ये है कोड नंबर 2। ठीक है जी, ये चेक करो ज़बरदस्त। इसमें भी ये देख लो, एक साइड पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ठीक है, अच्छा कोड नंबर 2 मैंने दिखा दिया है, अब मैं दिखाऊंगी कोड नंबर 3। अब ये देखो कोड नंबर 3 है और इसकी एम्ब्रॉयडरी ज़रा चेक करो, कितनी खूबसूरत है, क्लासिक है, मज़े की है, बारीक है, बहुत भरा भरा नहीं है, मतलब बहुत ओवर नहीं है, एक डिसेंट सी चीज़ है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करवा सकते हो। ठीक है, इवन वैसे मज़े की चीज़ बताऊँ, अगर किसी ने बॉयज़ के कुर्ते वगैरह स्टिच करवाने हैं ना, तो वो भी करवा सकते हैं, मतलब ये गले पे लगवा सकते हो, छोटे बच्चों का स्टिच हो जाएगा ये। ठीक है जी, ये था कोड नंबर 3। ठीक है, अभी इसके भी देख लो थोड़ी सी, ये तो खैर पूरी है एम्ब्रॉयडरी, किसी किसी के बीच में ना एम्ब्रॉयडरी एक साइड से थोड़ी सी कम है। प्राइस अब बताती हूँ, कोड नंबर 3 के बाद मैं कोड नंबर 4 शो करूँ, फिर मैं बताती हूँ इसकी प्राइस आपको क्या मिलनी है। अच्छा, अभी इसके साथ जैसे टैग नहीं है, मैंने इसके अभी इधर ही मैंशन कर दिया है कि भाई मुझे भूले नहीं कौन सा कोड था। इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करो, इतनी नफीस है, इतनी बारीक है कि यू कॉन्ट इमेजन। ठीक है, कोड नंबर 2 और कोड नंबर 4 तकरीबन एक जैसे ही हैं, मिले जुले ही हैं। ठीक है, डिज़ाइन एक जैसा मिलता जुलता। अच्छा, प्राइस की बात कर लेते हैं, कोड नंबर मैंने 4 शो कर दिया है, कोड नंबर 4 ऑफ वाइट सब कुछ है। ठीक है, प्राइस अब इनकी जनाब क्या है, आपको ये एक एक ट्राउज़र सिर्फ 1250 में मिलना है, कहाँ 1000 रुपये पर मीटर। ठीक है, और कहाँ 1250, ज़बरदस्त कलेक्शन है, लॉट आई है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने देना है इसका बिग बिग वाला ह्यूज डिस्काउंट। अच्छा, कोड नंबर 5 है, अब ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा शायद मुझे क्रीमी लग रहा है, कलर सारे ही एक से हैं, मुझे नहीं अब समझ आ रही। ठीक है जी,
अच्छा जी, ये कोड नंबर 5 है, ये ज़रा चेक करिएगा। सैंपल मैंने निकाल के रखे हुए हैं, इसकी कितनी खूबसूरत बेस है, बारीक सी बेस है, तकरीबन 3-3.5 इंच का बॉर्डर है, ठीक है जी। साथ में इसकी ये गिवन है, 5 नंबर है जनाब इस कोड का, ठीक है। और 1250 में एक ट्राउज़र मिलना है। अब आती है डिलीवरी चार्जेस की बारी जनाब, डिलीवरी चार्जेस कितने अप्लाई होंगे। डिलीवरी चार्ज 3 मैंने दिखा दिया था, अभी मैंने दिखाना है 6, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस कितने अप्लाई होंगे, डिलीवरी चार्जेस जनाब अप्लाई होंगे कितने, 100 रुपीज़, ठीक है। और अगर एक एक ट्राउज़र मंगवाओगे तो, अगर 2-3-4-5 मंगवाओगे तो फिर जो है 200 रुपीज़ होंगे। ये है जी कोड नंबर 6, इस पर मैंने कोड नंबर मेंशन नहीं किया, ठीक है जी। पर मीटर इसके ऊपर 950 रुपये लिखा हुआ, अभी मेरे पास 1000 वाले भी बीच में पर मीटर के हिसाब से पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। कुछ के बीच में से टीयर हुए हुए हैं, तो वो फिर एक अलग चीज़ है, मतलब अलग चीज़ है मुराद प्राइस यही है। अच्छा ये चेक कर लो, किसका तो खूबसूरत ऐसे लग रहा है जैसे तारकशी नहीं हुई होती, वैसे है, बहुत प्यारा बॉर्डर बना हुआ है इसका, ठीक है जी। कोड नंबर है ये 6, और ये भी आपको मिलना है 1250 में। कुछ में क्वांटिटी ज़्यादा है, कुछ में कम है, तो प्लीज़ एक ही कोड को लेके जो है वो मुझे मत करिएगा कि यार यही दे दो, यही दे दो, यही दे दो। कोड नंबर है 7, अब इसके साथ कोई टैग शैग नहीं आया हुआ, ये है ब्लैक कलर में, ठीक है जी। ये चेक कर लो फुल ऐसे, इसका बॉर्डर बड़ा है, तो इसको मैं वैसे सजेस्ट करूँगी कि आप इस रूप में बना लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बूटी वर्क भी है, और ये फुल कढ़ाई है, ठीक है। इसमें जाली बनी हुई और बड़ा खूबसूरत है। इसके ऊपर लिख लेते हैं हम कहीं पे 6, ताकि मुझे भी याद रहे। चलो मैं इसमें कुछ पर्ची डाल के रख लूँगी। 1250 में मिलना है, ठीक है। डोंट स्किप, ये बहुत मज़े की ऑफ़र मिल रही है आपको। अच्छा जी, उसके बाद है एक और ब्रीजे का। अच्छा इसमें भी, ये भी वैसा सही है, वो कोड नंबर 7 था, ये कोड नंबर 8 है। इसके ऊपर तो मैं मेंशन कर दूँ, इस पर लिखा हुआ है। चलो ये लो 7 लिख दिया, फिर मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ सचमुच, 8, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं ना तो आपको फिर साथ साथ तो और चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा ये भी फुल एम्ब्रॉयडरी है, इसमें भी जाली बनी हुई है ऐसे जैसे लेस लगी हुई, और इस पर अभी हल्की हल्की बूटी है, ठीक है जी। 1250 में आपने कोड नंबर 8 बुक करना है। 9 दिखा रही हूँ, कोड नंबर 9 है, ये भी ब्लैक है। अच्छा जी इसकी ये देखो कितनी, पता नहीं है, और मुझे लग रहा है मेरे ना कैमरा पता नहीं उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, ब्लैक है ना। इसमें भी हल्की हल्की चिकनकारी, और तकरीबन इतना बड़ा बॉर्डर है, 3-4 इंच का, ठीक है जी। 4 नंबर है ये 9, इस पर भी कुछ नहीं है। चलो मैं उस वैसे लगा लूँगी, आप टेंशन नहीं लेना। अच्छा जी कोड नंबर है 10, इसके ऊपर से भी प्राइस टैग उतरा हुआ है, 9 के बाद आ गया 10। अच्छा जी इसका मैं बॉर्डर दिखा दूँ, इसमें हल्की हल्की बॉर्डर बना हुआ है चिकनकारी का, ये देखो, ठीक है। और इसमें ये भी बूटी भी बनी हुई है, ठीक है। कोड नंबर 10 है, 1250 में 10 डिज़ाइन है। अच्छा अभी मैंने ना जाते जाते आपको दुपट्टे भी दिखा के जाने होंगे, कुछ दुपट्टे निकले हैं उसमें वाइट वाले, तो बहुत सारे लोग मांग रहे थे, जिनको चाहिए वो बुक करवा सकते हैं, अभी जाना नहीं। अच्छा जी केसरिया के दुपट्टे हैं, ठीक है। 5 इसमें डिज़ाइन है, बट लिमिटेड सा स्टॉक है। अच्छा अभी ये मैं एक एक करके खोल के दिखाती हूँ, साथ इनकी नंबरिंग कर दूँगी, ताकि नंबरिंग के साथ आप इसकी बुकिंग करवा सकें। कलर एक्चुअली एक है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ये लें, ठीक है जी। ये फुल बॉर्डर है इसका, ठीक है। इसकी बैक साइड भी देख लो, फ्रंट भी देख लो, और ये सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी है सेंटर में, लाइनिंग में, ठीक है जी। तो ये है जी कोड नंबर 1, मेम्बरशिप फोन है, फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ। अच्छा जी ये था इसका कोड नंबर 1। प्राइस सबको पता है, 1850 में सेल किए थे, अभी भी आपको 1850 में ही मिलेंगे। कोड नंबर 2 है, ये भी आपको 1850 में मिलेगा, ठीक है जी। ये चेक कर लो इसका फ्लावर वाला, ये सारी चिकनकारी, और सेंटर में इसकी बूटी है, और इधर सेंटर में भी ये काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ठीक है जी। ये चेक कर लो, गिफ्ट देने के लिए बेहतरीन जिसको कहेंगे ना वो है। कोड नंबर 3 मेंशन कर रही हूँ, 1850 में 1 मिलना है, फिर बता रही हूँ लिमिटेड सा है ये स्टॉक, पता नहीं
नीचे रह गया था, नीचे चला गया था। वैसे बहुत सारे लोगों ने मांगा भी, बट ना चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ये फुल इस तरह एम्ब्रॉयडरी में, ठीक है जी, बॉर्डर है और इसमें सारी ऐसे बूटी बनी हुई है चिकनकारी की, ठीक है। ये कोड नंबर 3, कोड नंबर 4 शो कर रही हूँ। ये कार्विंग के बगैर स्ट्रेट बॉर्डर वाला है, ठीक है। ये भी बहुत मज़े का है और इसमें फुल ऐसे चिकनकारी बनी हुई है, बूटी वर्क है और साइड पे इसके बड़े, सॉरी ये बैक साइड है इसकी, ये इसकी फ्रंट है, ठीक है। ये ऐसे बड़ी खूबसूरत सी इस पर जाली बनी हुई है और बड़ा खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइन है। ये है कोड नंबर 5। अच्छा जी, ये था उस टाइम हमारे पास 5000 वाले में, और सॉरी 2000 कोड नंबर 5 रोज़े के साथ है। यकीन करें कभी कभी मैं बाद में सोचती हूँ कि मेरे बोलना क्या होता है, मैं बोल कुछ और ही होती हूँ, मतलब बिल्कुल दिमाग खाली हो रहा होता है। ये 2000 में दिए थे क्योंकि इनके जो है ना सेंटर में भी फुल जाल था और बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी और ये काफ़ी कॉस्टली थे, ठीक है। इसका बॉर्डर ये बना हुआ है, नीचे से ये चेक कर लो, साइड पे दरमियान से चेक कर लो, ये सारा इसमें शिफली वर्क हुआ हुआ है ऐसे। ये अभी भी ये लास्ट पीस एक रह गया, ये भी आपको सेम प्राइस रेंज में मिल जाएगा 1850 में, ठीक है। तो जिन लोगों ने बहुत मैसेजेस किए थे, माजरे थे, एक तो स्टॉक इतना सारा होता है, एक्चुअली डेली वर्क होता है हमारा, तो हम डेली होमवर्क करके बैठते हैं कि आज हमने ये चीज़ सेल करनी है, ठीक है। और जो ओल्ड में से अगर आपको चीज़ पूछ लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ना बंदे को स्यापा पड़ जाता है कि ये मैं कहाँ से ढूंढ के दूँ इसको। बाज़ कुछ चीज़ें हमारे पास पड़ी भी होती हैं तो वो फिर हम क्लियरेंस में निकाल रहे होते हैं। अच्छा, एक मैंने अनाउंसमेंट करनी थी कि मुझे काफ़ी दिन से सब कह रहे थे यार अभी तुमने सेल नहीं दोबारा कोई फिर क्लियर नहीं किया, तो सैटरडे संडे 2 डेज रखे हैं, कल और परसों, ठीक है। तो इंशाल्लाह फुल धमाकेदार सेल होगी, तो डोंट मिस इट, और इंशाल्लाह क्लियरेंस सेल होगी। क्लियरेंस सेल जिसको पता है वो जब समझते हैं कि हम जो छोटा होता है ना बिजनेसमैन, हम साथ साथ अपनी चीज़ें रोकते नहीं हैं, हम जो है साथ साथ चीज़ें क्लियर कर देते हैं, अपना मार्जिन ख़त्म करके कि स्टॉक रुका ना रहे। तो अभी जो न्यू अराइवल में से चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक एक दो दो पीस, वो सब हमने निकालनी है। तो इंशाल्लाह कल और परसों एक बड़ा मज़े का होगा, सिंगल सिंगल पीस, उसमें मतलब क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि वो क्लियरेंस में है। तो बाजू का मेरी बहुत सारी बहनें जो उनसी हैं ना, वो नाराज़ होती हैं, आप देती नहीं हैं, तो क्लियरेंस में स्टॉक ही नहीं होता, वो हमने अपना जो मतलब रह जाता है स्टॉक उसको निकालना होता है, तो इस वजह से उसको हम जो है मतलब थ्रो अवे प्राइसेस पे सेल कर रहे होते हैं। तो अभी सिफा में से बहुत सारे लोग मांग रहे थे कुछ उसमें सूट मिल जाएंगे, नूरे नज़र में से कुछ सूट निकले हैं, और भी एक दो अच्छे बड़े मज़े के ब्रांड थे, वो भी उसमें से भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं देख रही थी, मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैं इंशाल्लाह कल और परसों सारा वाइंड अप करूँगी, ठीक है। बट साथ रहना है, अगर अपनी मर्जी की चीज़ चाहिए और कम प्राइस पे चाहिए तो कल और परसों मस्ट ट्राई करना, ठीक है। और प्लीज़ एक सूट के पीछे मत सब लोग परेशान हो जाया करो, कम से कम ऑप्शन रखा करो लाइफ में अपने पास के एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो यार तीसरा सही, मतलब एक सूट के लिए सब नाराज़ हो रहे होते हो, ठीक है। चलो जी, टेक केयर, दुआ में याद रखना, बहुत सारा ख्याल रखना। फिर बता रही हूँ, ट्राउज़र कितने का था, 1250 का था, 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, दुपट्टे जो हैं 1850 के हैं, 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस था एक पे। अगर 2, 3, 4, 5 आइटम मंगाओगे तो 200 डिलीवरी चार्जेस होंगे पूरे एक पार्सल पे, ठीक है। चलो, टेक केयर, दुआ में याद रखना, बहुत सारा